जब बात शौक की आती है तो फिर सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ लगता है जब हम लाखों करोड़ों की कारों को देखते हैं। और फिर सारे सवाल आते हैं, इतनी महंगी कार क्यों, कहां चलाएंगे इन्हें, इतने पैसे में तो कोठी बंगला आ जाए, और कार ही तो है हेलीकॉप्टर तो नहीं, फिर इतनी कीमत क्यों। और शौकीनों के लिए ये सारे सवाल हवा हो जाते हैं। शौक के मामले में दिमाग की कहां जरूरत होती है, वहां तो सिर्फ दिल का काम होता है और जरूरत होती है ढेर सारे पैसे की। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शौक के मामले में थोड़ा दिमाग भी लगा रहे हैं और लग्जरी का शॉर्टकट अपना रहे हैं, और वो सेकेंड हैंड लग्जरी कारें खरीदते हैं। पहले ये मार्केट थोड़ा अनऑर्गेनाइज हुआ करता था, अब मामला बदल गया है। तो इस कहानी के बारे में पता करते हुए हमने सोचा क्यों ना इन कारों में से एक को नजदीक से देखा जाए। हिंदुस्तानी कार मार्केट भले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ग्रोथ तो यहाँ पर होगी। इसी वजह से नए नए ट्रेंड हम लगातार बनते हुए बदलते हुए देख रहे हैं, जिनमें से एक तो है कि किस तरह से हिंदुस्तानी कार बाजार में सेकेंड हैंड कारों का बाजार सेगमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही एक शोरूम में हम पहुंचे, क्योंकि इसी ट्रेंड का एक बिल्कुल अलग सिरा देखने को मिला जब इस शोरूम में मुझे बहुत ही खास सभी एग्जॉटिक गाड़ियां देखने को मिली। सुपर कारें जिन्हें कहते हैं, या फिर महंगी करोड़पतियों की गाड़ियां जिन्हें कहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि सभी सेकेंड हैंड कारें हैं, और चूंकि ये महंगी एग्जॉटिक गाड़ियां हैं तो इन्हें हम प्री ओन्ड कार के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में तो हम इन गाड़ियों को निहारेंगे ही, लेकिन जब निहारने के बाद सवाल जहन में उठता है कि आखिर इस मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उसके बारे में जतिन बेहतर बता पाएंगे। जतिन, किस तरह का ये सेगमेंट है, किस तरह से ये सेगमेंट बढ़ रहा है, क्या है, क्या जरा बताइए हमें। हमारे पास अगर आप गाड़ियों के आप फ्लीट देखेंगे तो इसमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो सिर्फ 2-3 हजार किलोमीटर चली हुई हैं। 2-3 हजार मतलब मे बी आप दो हफ्ते में या 3 हफ्ते में गाड़ी इतनी चला लेंगे, शायद महीने भर में चला लेंगे। सो वी डोंट से दैट दीज कार्स आर प्री ओन्ड, वी ऑलवेज कॉल दीज कार्स आर प्री लव्ड कार्स। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर एक नई गाड़ी बिकेगी 2020 तक, तो उस वक्त तक हो सकता है कि 3 पुरानी गाड़ियां बिके। सी, लग्जरी कार मार्केट ऑफ कोर्स इज अबाउट 3% ऑफ द टोटल कार मार्केट इन इंडिया, इज अबाउट 3%, एंड वी एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू अबाउट 6% बाय 2020। कोई भी कस्टमर जो होता है, खासकर इस सेगमेंट में तो और भी ज्यादा डिमांडिंग कस्टमर होंगे, उन्हें कैसे आप संतुष्ट रखते हैं आफ्टर सेल सर्विस और बाकी सुविधाओं के साथ? एवरी फाइल ऑफ आवर्स, एवरी कार ऑफ आवर्स इज बैक्ड अप विद 150 पेजेस ऑफ द एंटायर सर्विस हिस्ट्री, चाहे वो क्राइम रिकॉर्ड चेक करना है, चाहे वो सर्विस हिस्ट्री है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड विद ऑल द कार्स वी सेल। सर, इनका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो इस तरह की प्री ओन गाड़ियां लेने में इंटरेस्टेड हैं और तुरंत ही लेते हैं, वो अपनी गाड़ियां बदलते हैं। गाड़ी खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बेचना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज राइट क्वालिटी की गाड़ी आना। तो इस कहानी के बारे में पता करते हुए हमने सोचा क्यों ना इन कारों में से एक को नजदीक से देखा जाए। तो जब इतनी सारी खूबसूरत एग्जॉटिक और तेज रफ्तार गाड़ियां आपके सामने हो, फिर कैसे अपने आप को आप रोक सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक गाड़ी को लेकर निकला जाए। एक खिड़की खोल देता हूं, फिर शायद ज्यादा बेहतर आवाज आएगी। आवाज वाकई एडिक्टिव है, एडिक्टिव। जिस स्ट्रेच के बारे में मैं कह रहा था वो स्ट्रेच भी आ गया है, और इसी वजह से मैं फरारी नहीं लेकर आया, क्योंकि यहां पर अगर जरा सा भी नीचे से जगह कम हो और कुछ भी छू कर निकल जाए, हल्का सा कंकड़ भी, तो दिल पर चोट पहुंचेगी। इस वजह से लेकर आया पोर्शे, और फिलहाल बहुत ही आराम एहतियात से इसे यहां से निकाल कर ले जा रहा हूं। छोटा सा ही स्ट्रेच मुझे बताया गया कि ये खराब है, उसके बाद खाली सड़क मिलेगी जहां पर इसे ड्राइव करते वक्त आपसे तसल्ली से बात कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं इस सड़क के ऊपर।
तो बहुत ही मजेदार ड्राइव ये गाड़ी दे रही है, साथ में दिलचस्प एक्सपीरियंस है, तेज रफ्तार में इसे भगा रहा हूँ, हैंडलिंग बढ़िया है और रोमांच दे रही है। दिलचस्प बात ये है कि चूंकि आपके जहन में ये बात है कि एक पुरानी गाड़ी है, क्या पता इसकी हैंडलिंग कैसी होगी, नई गाड़ी को चलाने की हमारी आमतौर पर आदत होती है और ऐसे में किस तरह से हैंडल करेगी, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस होगा, किस तरह से पकड़ बना के चलेगी, और इन सब शंकाओं के साथ साथ थोड़ा सा नर्वसनेस जब आपके इस रोमांच में मिलता है तो कॉकटेल बहुत ही जबरदस्त होता है, वही मैं यहाँ महसूस कर रहा था। छोटा ड्राइव था लेकिन ये जरूर महसूस करता हूँ कि इस छोटे से ड्राइव में भी काफी मजेदार एक्सपीरियंसेस ने मुझे दिया है स्टार गाड़ी।